देख ही रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है और लोगों का आरोप है कि गर्मी के वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। जो जिला अस्पताल में गर्मी की वजह से मरीज की मौतें हुई है वो तो आंकड़े घर दर्ज हो जाते हैं, पर अगर गांव स्तर में देखा जाए तो गांव स्तर का आंकड़ा शायद है आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आइए हम अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं कि लोगों का क्या कहना है, कैसी मौतें हो रही है इस गर्मी की वजह से है। जमीन में लेटते हैं बबुका था छोटा सुलेखा जी, जब जलिया बीता था लगा गर्मी हन के पड़ गई सुलेखा का कहाँ भागे पानी सप रहे के ना सप रहे रात में ककरो जाए के दी सप रहे वो दिन दिन लेटने से कहूँ बबुका छोड़ लो। आपकी कुल पहाड़ में इस गर्मी से कितने लोगों की मौतें हो रही हैं? काफी लोग हुई आज दो मौत हो गई कुल पहाड़ में। अमर उजाला न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 1 मई शनिवार को प्रदेश में तापमान कम होने के बाद भी गर्मी व लू का कहर जारी रहा। बुंदेलखंड और कानपुर के आसपास के जिलों में गर्मी और लू की चपेट में आने से 27 लोगों की जान चली गई। इनमें हमीरपुर में 9, चित्रकूट में 6, बांदा और महोबा में 4-4, फतेहपुर में 2, इटावा व औरैया में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। अब जो मौतें हो गई है वो लू लपट से, आदमी खाते पीते भी नहीं है, पानी भी नहीं पिए। इस समय पानी पीना बहुत जरूरी है, सर्दी जब तक पानी ना पहुंचेगा तो पानी की कमी होगी और आदमी लू लपट में बाहर निकलेगा धूप लगेगी, ज़्यादातर बुजुर्ग आदमी ज़्यादा हो गए। कुल पहाड़ में आए दिन 3-4 घटनाएं ऐसी हो जा रही है। डेली कल भी 2 आदमी मारे गए, जहाँ तक ख्याल है मेरा। ऐसे होती है यार सीजन के बाद। ये गर्मी की वजह से कैसे खत्म हो गए? गर्मी की वजह से खत्म हो गई, तबीयत खराब होती रही, गर्मी पड़ी ज़्यादा थोड़ी अस्वस्थ रही, सुबह बीमारी थी तो इलाज कराती है। तो ये गर्मी नहीं उनको बर्दाश्त हो पाई। गर्मी बर्दाश्त। आपकी मम्मी की क्या उम्र थी? वो 50 साल। उनको क्या हो गया था? मांड में कमी थी, मांड में गर्मी के कारण। यहाँ पर कोई प्रशासन आया है? नहीं। उनका परिवार शोक में डूबा है क्योंकि स्वस्थ थी और अचानक निधन हो गया। जी हम लोग गांव के हैं तो अब जो है गांव में घटना घटित हुई है, उनके साथ शोक संवेदना है हम लोगों की, उनके साथ खड़े हैं। अभी इतनी गर्मी चल रही है और कितनी ऐसे मरीज की डेटें हो रही हैं जो आपके जिला अस्पताल में कुछ लिखित हो जो गर्मी के कारण मौतें हुई हैं? करीब 15-20 मरीज आए थे कल, गर्मी के मारे बुखार के मरीज आए थे 15-20 जी। उसमें साथ 4 ब्रॉड डेड आए थे और 2 की डेथ हुई है। काल की डेट में ही डेट हुई है, गर्मी की वजह से डेट हुई है। अब वो और बीमारी भी है उन मरीजों को, पुरानी बीमारी भी और है और दोनों घर को गर्मी भी पड़ रही है उसके मारे। क्षेत्र में भी बहुत गर्मी पड़ रही है तो और उनको क्या करना चाहिए? बहुत तपन, बहुत तापमान। वो ये घर से बाहर ना निकले 10 बजे के बाद, सुबह से 6 बजे से 10 बजे तक काम कर ले घर का, उसके बाद शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच कर सकते हैं काम अगर बहुत जरूरी काम है। बाकी छाता लेके चले, सफ़ेद कपड़े पहने, काले कपड़े ना पहने और पानी खूब पीते रहे, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, ऊपर सिर पे गमछा डाल लें, बहुत जरूरी हो तो निकले नहीं तो धूप में ना निकलेगा। गर्मी सर के ऊपर ज़्यादातर प्रभाव पड़ रही है देखा जाए? बुजुर्ग लोगों पर ज़्यादा पड़ लिया, जो सबसे ज़्यादा है बुजुर्ग उनके ऊपर ज़्यादा पड़ लिया, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो लोग ज़्यादा। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।